आज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने अपनी गौरवमयी यात्रा के एक अहम माइलस्टोन पार किया है। हम सभी आईएसबी की स्थापना के 20 साल पूरे होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज अनेक साथियों को अपनी डिग्री मिली है, गोल्ड मेडल मिले हैं। आईएसबी को सफलता के इस पड़ाव पर पहुंचाने में अनेकों लोगों की तपस्या रही है। मैं आज उन सभी को याद करते हुए आप सभी को आईएसबी के प्रोफेसर्स, फैकल्टी, सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, आईएसबी के एल्यूमनाइज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, साल 2001 में अटल जी ने इसे देश को समर्पित किया था। तब से लेकर आज तक लगभग 50,000 एग्जीक्यूटिव यहां से ट्रेन होकर निकले हैं। आज आईएसबी एशिया के टॉप बिजनेस स्कूलों में से एक है। आईएसबी से निकलने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, वे देश के बिजनेस को गति दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। यहां के स्टूडेंट्स ने अनेक स्टार्टअप बनाए हैं, अनेकों यूनिकॉर्न्स निर्माण में उनकी भूमिका रही है। ये आईएसबी के लिए उपलब्धि तो है ही, पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। साथियों, मुझे बताया गया है कि ये हैदराबाद और मोहाली कैंपस की पहली ज्वाइंट ग्रेजुएशन सेरेमनी है। आज जो स्टूडेंट्स पास होकर निकल रहे हैं, उनके लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। हम बीते 75 साल की उपलब्धियों को देख रहे हैं और आने वाले 25 साल के संकल्पों का रोड मैप भी बना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में आने वाले 25 साल के लिए जो संकल्प हमने लिए हैं, उसकी सिद्धि में आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज भारत में जो आशा है, लोगों में जो आत्मविश्वास है, नए भारत के निर्माण के लिए जो इच्छा शक्ति है, वो आपके लिए भी अनेक संभावनाओं के द्वार खोल रही है। आप खुद देखिए, आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में भारत पहले नंबर पे है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या को देखें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भारत में है। ऐसी कई चीजें मैं आपके सामने रख सकता हूं, गिना सकता हूं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सबने और दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा है। सदी की इस सबसे बड़ी आपदा में ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इतना बड़ा डिस्रप्शन हुआ, फिर युद्ध ने भी इस संकट को और बढ़ा दिया। इन सब के बीच भी भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले साल भारत में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एफडीआई आया। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मींस बिजनेस, और ये केवल अकेले सरकार के प्रयासों के कारण संभव नहीं हुआ है। इसमें आईएसबी जैसे बिजनेस स्कूल्स का, यहां से निकलने वाले प्रोफेशनल्स का, देश के युवा का भी बहुत बड़ा योगदान है। चाहे स्टार्टअप्स हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हमारे युवा ये साबित कर रहे हैं कि वो दुनिया को लीड कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं ना? आपको भरोसा है कि नहीं अपने आप पर? मुझे आप पर भरोसा है, आपको अपने आप पर है? साथियों, इसलिए आज दुनिया भारत को, भारत के युवाओं को और भारत के प्रोडक्ट्स को एक नए सम्मान और नए भरोसे के साथ देख रही है। साथियों, भारत जिस स्केल पर लोकतांत्रिक तरीके से अनेक चीजें अपने यहां कर सकता है, जिस तरीके से हम यहां कोई नीति या निर्णय लागू कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का, सीखने का विषय बन जाता है। और इसलिए हम अक्सर इंडियन सॉल्यूशंस को ग्लोबली इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं। और इसलिए मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन पर आपसे कहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़िए। आप जो सीखते हैं, आपका जो भी अनुभव होता है, आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, उससे देश हित कैसे सधेगा, इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए, जरूर सोचिए। आज देश में चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अभियान हो, 1500 से ज्यादा पुराने कानूनों और हजारों कंप्लायंसेस को समाप्त करने का काम हो, टैक्स के अनेकों कानूनों को समाप्त करके जीएसटी जैसी पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण हो, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेशंस को बढ़ावा देना हो, नई स्टार्टअप पॉलिसी हो, ड्रोन पॉलिसी हो, अनेक नए सेक्टर्स को खोलना हो, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना हो, ये सारे बड़े बदलाव
आप जैसे युवाओं के लिए ही तो हो रहे हैं। आप जैसे युवाओं की तरफ से आने वाले जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, आपके आइडिया को देश की ताकत बनाने के लिए हमारी सरकार हमेशा देश की युवा शक्ति के साथ खड़ी है। साथियों, आपने सुना होगा, कई बार एक बात को मैं बार बार दोहराता भी हूं और अक्सर मैं कहता हूं, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात करता हूं। ये मंत्र देश में आज जो गवर्नेंस है उसे डिफाइन करता है। ये आप जैसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत अहम। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग यहां से निकलने के बाद बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने वाले हैं। पॉलिसी सिर्फ ड्राइंग रूम पर अच्छी हो, कागज पर बेहतर हो, जमीन पर अगर नतीजे ना दे तो उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए पॉलिसी का आकलन इंप्लीमेंटेशन और एंड रिजल्ट के आधार पर होना चाहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र ने कैसे पॉलिसीज को, देश की गवर्नेंस को रिडिफाइन किया है, ये भी मैं चाहूंगा कि आप जैसे नौजवानों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, बीते 8 साल की तुलना अगर आप उसके पहले के 3 दशक से करेंगे तो एक बात जरूर नोट करेंगे, हमारे देश में रिफॉर्म्स की जरूरत तो हमेशा से महसूस की जाती रही थी लेकिन पॉलिटिकल विल पावर की हमेशा कमी रहती थी। पिछले 3 दशकों में लगातार बनी रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश ने लंबे समय तक पॉलिटिकल विल पावर की कमी देखी। इस वजह से देश रिफॉर्म से, बड़े फैसले लेने से दूर ही रहा। 2014 के बाद से हमारा देश राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी देख रहा है और लगातार रिफॉर्म भी हो रहे हैं। हमने दिखाया है कि अगर ईमानदारी के साथ, इच्छा शक्ति के साथ रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए तो जन समर्थन अपने आप बढ़ता है। फिनटेक का उदाहरण हमारे सामने है। जिस देश में कभी बैंकिंग ही एक प्रिविलेज मानी जाती थी, उसी देश में फिनटेक सामान्य नागरिकों के जीवन को बदल रही है। जहां कभी बैंकों के प्रति भरोसा कायम करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, वहां अब दुनिया की 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में हो रही है। हमारे हेल्थ सेक्टर को भी ये माना जाता था कि किसी बड़ी चुनौती को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म की, देश की इच्छा शक्ति का परिणाम हमने 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के दौरान अनुभव किया है। कोरोना ने जब दस्तक दी तब हमारे पास पीपीई किट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ना के बराबर थे, कोरोना स्पेसिफिक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था।
लेकिन देखते ही देखते 1100 से अधिक पीपीई मैन्युफैक्चरर्स का नेटवर्क भारत में तैयार हो गया। कोरोना की टेस्टिंग के लिए भी शुरुआत में कुछ दर्जन लैब्स थी, बहुत कम समय में देश में 2500 से अधिक टेस्ट लैब्स का नेटवर्क बन गया। कोविड वैक्सीन के लिए तो हमारे यहां चिंता जताई जा रही थी कि हमें विदेशी वैक्सीन मिल पाएगी भी या नहीं, लेकिन हमने अपनी वैक्सीन तैयार की, इतनी वैक्सीन बनाई कि भारत में भी 190 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। भारत ने दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी वैक्सीन भेजी है।